नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओल का अचार और ये अचार बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। इसे सुरन भी कहा जाता है, जिमिकंद भी कहा जाता है, अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये अचार को बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें इस अचार को। तो चलिए फ्रेंड्स, ओल के अचार को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 1 किलो ओल और ये देसी ओल है। इसका मैंने छिलका हटा के अच्छे से धो के सुखा लिया है और उसके बाद ये 650 ग्राम वज़न में है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अदरक और हरी मिर्च। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च की क्वांटिटी 100-100 ग्राम ली है, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम हरी मिर्च। इनको भी मैंने अच्छे से सुखा के, मैंने धो के सुखा लिया था, ड्राई कर लिया था। और लहसुन मैंने यहाँ पे 150 ग्राम लिया है। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ओल को कद्दूकस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कद्दूकस लिया है और ओल को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं और हाथ में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, नहीं तो ये थोड़ा सा खुजली होता है हाथों पे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ओल को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो सारे ओल को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 1 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं फैला के। और अगर आप चाहें तो इस तरह से इसका जो पानी है उसे आप छान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा ओल जो है कद्दूकस किया हुआ एक स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसे हम प्रेस करके इसका जो भी इसमें पानी है वो इस तरह से निकाल लेंगे दबा दबा के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने प्रेस करके निकाल लिया। इसे हम साइड रख देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम लहसुन को डाल देंगे। बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है। पानी का हमें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह से हमें पेस्ट जो है दरदरा सा बना लेना है। तो इसे मैं इसे में निकाल लेती हूँ। और सेम प्रोसेस से हम अदरक और हरी मिर्च को भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक को इस तरह से पहले छोटा छोटा काट लिया है और अब हम इसे सेम प्रोसेस में ग्राइंड करेंगे बिना पानी के। तो इस तरह से मैंने अदरक को भी ग्राइंड कर लिया है और इसका भी दरदरा सा इस तरह से देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसे भी हम इसी में निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हरी मिर्च को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और बिना पानी के इसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा सा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें हरी मिर्च का भी दरदरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे इसी में रहने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम सरसों का तेल। अचार को सरसों के तेल में ही बनाए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और 2-4 मिनट के लिए हम तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसी में हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग का पाउडर। ये अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही साथ 1 छोटी चम्मच मैंने कलौंजी लिया है मंगरेला और 1 बड़ा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तेल यहाँ पे हल्का सा गुनगुना है अभी। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हमने वैसे इसमें हरी मिर्च को डाला है, फिर भी हम मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच के करीब डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ओल, अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड करके रखा है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सभी चीज़ों को और हरी मिर्च यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में ही रखा था, इसे भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप सभी चीज़ों को मिक्स एक साथ करना है, इसलिए आप बड़े बर्तन का ही यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने 4 नींबू के रस को यहाँ पे डाल दिया, बीज को मैंने निकाल लिया था। और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पे घर में जो है पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो यही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी नॉर्मल नमक यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर लें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अचार का कलर और टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे,
बहुत ही ज़्यादा चटपटा दिख रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे विनीगर। मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनीगर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी सिरका यूज़ कर सकते हैं, जो वाइट विनीगर हम चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक ढक्कन मैंने इसमें डाला है और इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा जो अचार है बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही टैम्पटिंग लग रहा है। तो अब हम इसे स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम इसमें इसे जार में ही स्टोर करेंगे और शीशे के जार में ही इसे हम स्टोर करेंगे, प्लास्टिक में नहीं। और यहाँ पे मैंने जार को अच्छे से धो के बिल्कुल सुखा लिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और सारा जो अचार है हम इसमें भर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अचार है ये अभी खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसे हमें 4 से 5 दिन धूप में रखना है, उसके बाद ही हम इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कवर लगा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये ओल का अचार बन के तैयार हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप बना के 1-2 साल तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।